थैंक यू वेरी मच। बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि कल मूवी जो है वो मुंबई में रिलीज हुई, प्रीमियर की गई है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ट्रेलर ने तो दिल को हम सबके छुआ है, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया फिल्म करने में, और जैसे कि जानते ही है कि ये फिल्म हमने तीन लैंग्वेजेस में की है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो शूटिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी, चैलेंजिंग थी, बट बहुत मजा आया क्योंकि सब एक फैमिली की तरह थे, एक दूसरे के टीचर्स थे, सब एक दूसरे को बता रहे थे कैसे क्या करना। और आपको पता है कॉमेडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए सेट पे माहौल अच्छा होना, लोग अच्छे होने, स्पेशली जॉनी सर, विजय दादा सब थे, तो मजा आया शूट करने में इनके साथ, एंड होपफुली ऑडियंसेस को भी मजा आएगा देखने में। ये आपकी बेबी है हम कह सकते हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि एक प्ले से ये मूवी अब मूवी में प्ले से मूवी में आई है और इतने लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? प्ले के बारे में कुछ बताएं, तभी से प्लानिंग शुरू कर दी थी आपने? नहीं, तभी से शुरू नहीं की थी, बट हम इंग्लिश प्ले करते थे जिसका नाम था सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, और ये प्लेज 20 साल पहले शुरू किया था, और हमने इंडिया में तो काफ़ी सारे शहरों में ये प्ले किया, बट इंडिया के बाहर भी हमने काफ़ी परफॉर्म किया, यूएस, यूके, कनाडा, दुबई, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका। और वहाँ जब जाते थे तो यूजुअली जैसे थिएटर चलता है, फ्राइडे सैटरडे संडे ही शोज होते थे, तो जो लोग देख पाते थे वो तो खैर इंजॉय करते थे, बट जो लोग नहीं देख पाते थे वो हमसे बार बार पूछते थे कि वापस कब आ रहे हो, बट एक बार आप यूएस से वापस आ गए तो वापस जाना मुश्किल होता है। तो तभी ये ख्याल आया कि अगर ज्यादा ऑडियंसेस तक हमें पहुंचना है और ये जो प्ले है हमारा वो लेके जाना है, तो इसे कैसे, हाँ, तो दूसरा ऑप्शन वही था कि इसे बड़े पर्दे पर लाए, बट इजी नहीं होता है बड़े पर्दे पर लाना क्योंकि उसके लिए काफी सारे मतलब लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल्स जोड़ने पड़ते हैं, एंड फाइनली ये हुआ, राजीव के मदद से हुआ, एंड वी आर हैप्पी दैट ये हो पाया। बिल्कुल, विच इज मोर डिफिकल्ट, मैं अगर आपसे पूछूं, एक मूवी डायरेक्ट करना और या प्ले डायरेक्ट करना और एक्ट करना, क्या क्या डिफिकल्ट है सर? अपने अपने अंदाज में, मतलब दोनों डिफिकल्ट है, स्टेज प्ले परफॉर्म करना डिफिकल्ट, बट स्टेज प्ले में मजा बहुत आता है क्योंकि स्टेज प्ले में जो ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिलता है वो फॉरन मिलता है, जैसी तो वेट नहीं करना पड़ता कि पेपर में कब छपेगा, क्या होगा, या तो तालियां बजती है या तो और स्टेज प्ले में हमें फौरन पता चल जाता है कि क्या रिस्पॉन्स है, तो नर्वसनेस काफी होती है जब हम प्ले करते हैं क्योंकि अगर किसी पंच पे ऑडियंस की लाफ्टर नहीं आई तो डर लगा रहता है कि पता नहीं अगला पंच टूटेगा या नहीं, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ पम्प्ड अप एवरी टाइम, बट फॉर्चुनेटली फिल्म में वैसा नहीं होता है, आप शूट करते हो, उसके बाद फिल्म एडिट होती है, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक उस पर लगता है और बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद वो फिल्म ऑडियंसेस तक पहुंचती है और उसके बाद पता चलता है वेदर पीपल आर लविंग इट और नॉट, सो इट्स अ प्रोसेस, तो दोनों का अपना मजा है, बट इफ यू आस्क मी आई लव थिएटर एंड आई वुड प्रिफर थिएटर ओवर फिल्म्स, बट फिल्म का एक दूसरा मजा है। बिल्कुल सर, मूवी के बारे में थोड़ी सी बातें करें, वन इम्पॉसिबल केस, इसके बारे में कुछ कहें, क्या होने वाला है? तो बेसिकली एक ऐसा केस है जो मारिया हमारे पास लेके आती है, वो लेके भी नहीं आती, हम एक्चुअली उसके पास जाते हैं कि प्लीज ये केस हम आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि लीगल सिस्टम जो होता है अपना, जुडिशरी ने उसे बोल दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब लीगल है। पुलिस बोलती है कि जब तक जब डॉक्यूमेंट्स लीगल है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि आदमी क्रिमिनल है, क्रिमिनल इंटेंशंस है, बट फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते जब डॉक्यूमेंट्स लीगल है, उसका जो उसने जो आपको फंसाया है इसमें, बट जो हुआ है वो सब लीगल तरीके से हुआ है, तो अब ऐसे इम्पॉसिबल केस में उसे उसके पैसे कैसे हम वापस दिलाते हैं, इसकी पूरी जद्दोजहद है, और फाइनली वो कर पाते हैं या नहीं वही देखना है और कैसे कर पाते हैं। बिल्कुल, बड़े पर्दे पर आकर देखना है, मूवी रिलीज हो रही है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। सर मुझे बताइए, आप सब दिग्गज कलाकार तो हैं ही, इतने बड़े बड़े नाम है, साथ ही साथ जॉनी सर भी हैं, फ्यू वर्ड्स फॉर जॉनी सर। ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, और मैंने उनके साथ मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी पेइंग गेस्ट, उसमें भी जॉनी सर ने काम किया था, फिर उसके बाद मैंने एक सीरियल प्रोड्यूस किया था सब टीवी में, पार्टनर्स, जॉनी सर उसमें भी थे, मैंने फिल्म लिखी है धमाल, टोटल धमाल जी, तो वो मेरी लिखी हुई फिल्म है, उसमें भी जॉनी सर थे, तो एक रिश्ता सा बन गया है जॉनी सर के साथ, और उनसे हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही ग्रेट कलाकार है,
तो प्रिविलेज दैट हम उनके साथ काम कर पा रहे हैं, रियली वेरी हैप्पी। लाखों लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे लाइव, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा जो दर्शक आपको देख रहे हैं? सभी के लिए इस फिल्म के थ्रू हम यही मैसेज कहना चाहेंगे कि आप में कुछ खामियां हो सकती है, किसी चीज में आप अच्छे नहीं हो, बट आपको वो ढूंढना चाहिए अपने अंदर कि क्या अच्छाई है आप में और क्या क्या टैलेंट है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उस टैलेंट को आपको नर्चर करना चाहिए। एंड आई एम श्योर यू डोंट नीड 100 डिफरेंट टैलेंट्स टू रीच अ सर्टेन पोजीशन। इफ यू हैव वन टैलेंट एंड इफ यू नर्चर दैट वेल, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच भाई सर हमारे साथ बातें करने के लिए, फ्रेंड्स के साथ बातें करके काफी अच्छा लगा, आपके साथ बातें काफी अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट।